आइए आपको देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल दिखाते हैं। हालांकि इस दृश्य को देखकर किसी के भी आंसू थमते नहीं हैं। एक सैनिक पिता कैसे अपने शहीद बेटे को अंतिम विदाई देता है, ये देखकर दिल बैठने लगता है। आप भी देखिए देशभक्ति की ये अनूठी मिसाल। रविवार का दिन है, सुबह के 8:50 हो रहे हैं। स्थान है हमीरपुर बिलासपुर की सीमा पर तरघेल गांव। हजारों लोगों का हजूम उमड़ा है, हाथों में तिरंगा लेकर बाइक पर सैकड़ों युवा शहीद अंकेश भारद्वाज के पार्थिव शरीर के इंतजार का। अब समय 9 बजे का है और स्थान है हरदीप तल्यांगर। 9 बज चुके हैं। अब शहीद का शव डंगार के बाद बाड़ी छजोली और छजोली में हजारों युवा यहाँ इकट्ठा होते हैं और तिरंगा लेकर शहीद बेटे को पुष्पांजलि दी जाती है। धोल में शहीद अंकेश के सम्मान में 300 फुट तिरंगा यात्रा निकाली गई। 10:25 पर सेव में शहीद अंकेश का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचाया गया। रविवार 10:25 पर शहीद अंकेश का पार्थिव शरीर जैसे ही घर पहुंचा तो हजारों आंखें नम हो उठी। पार्थिव शरीर आते ही वहाँ शहीद अंकेश भारद्वाज अमर रहे के नारे लगने लगे। 21 वर्षीय अपने जिगर के टुकड़े को खोने के गम में माँ कश्मीरी देवी अंदर तक टूट चुकी थी, लेकिन आंसुओं को छुपाए माँ खुद अंतिम संस्कार में शामिल हुई। मगर सबसे द्रवित करने वाले क्षण ये थे कि शहीद के पिता बांचाराम एक दूल्हे के पिता की तरह तैयार हुए थे। उन्होंने अपने बेटे को भी दूल्हे की तरह सजाया और अंतिम विदाई दी। फौजी होने के नाते जहां बांचाराम गर्व महसूस कर रहे थे, वहीं बेटे की शहादत की पीड़ा भी दिख रही थी। शहीद अंकेश का पार्थिव शरीर जैसे ही घर पहुंचा तो उसका छोटा भाई आकाश अपने पिता के कंधे पर सिर रखकर फफक फफक कर रोने लगा। पिता ने बेटे के आंसू पोंछते हुए कहा कि बेटा मत रो, तेरे भाई ने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। शहीद अंकेश की अंतिम विदाई पर दिव्य हिमाचल टीवी भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।
अरुणाचल प्रदेश के अंदर 6 फरवरी को जो हमारे 7 सैनिक एक बर्फीली तूफान के बीच में फंस गए थे और जैसे ही बर्फ वहां से पिघली और वो एक स्नो स्लाइड जो है वहां हुआ उसके कारण वो 7 सैनिक उसके बीच में दब गए थे और लगभग 3000 फीट की गहराई में वो नीचे चले गए थे। और उसमें 7 सैनिक थे, उसमें 2 सैनिक हिमाचल प्रदेश के हैं जो शहीद हुए। उसमें हमारे बैजनाथ जिला कांगड़ा से राकेश सिंह और हमारे जिला बिलासपुर के घुमारमी सेऊ गांव से अंकेश कुमार जो है वो उसमें शामिल थे। उनकी शहादत अपने देश की रक्षा करते हुए हुई। 6 फरवरी को ये घटना घटी और आज जो है अंकेश का यहाँ स्थानीय पैतृक गांव में उसका अंतिम संस्कार किया गया। बीच में शव लाने में यहाँ पार्थिव शरीर लाने में देरी भी हुई, कारण ये था कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर मौसम खराब था जिसके कारण से वहां से जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनके पार्थिव शरीर लाने में वहां देरी हुई और वो कठिन ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से उनको लाया गया और रोड के माध्यम से लाया गया जिसके कारण देरी हुई। और कल लगभग 12 बजे जो है फ्लाइट से ये पार्थिव शरीर शहीद का पठानकोट पहुंचा और वहां से शाम को लगभग 7 बजे भोटा पहुंचा और रात्रि होने के वजह से रात्रि ठहराव उनका वहां भोटा रेस्ट हाउस में हुआ और आज सुबह लगभग 8:30 बजे वहां से रवानगी हुई और लगभग 10 बजे सेऊ गांव में आकर जो है शहीद अंकेश का पार्थिव शरीर जो है आज पहुंचाया गया। वहां हमारे सनातनी जो संस्कार हैं उसके आधार पर उनके अंतिम संस्कार के लिए वहां से घर से विदाई दी गई।